बेसिक मैथ की ये नाइन्थ क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं लाइन एंड एंगल। सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें समझते हैं कि पॉइंट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो देखिए पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल एकदम करेक्ट जैसे कि ऑर्डर है, ये क्या है, ये एक पॉइंट है। इसे आप ऐसे डिनोट कीजिए, ये पॉइंट बना दीजिए, ये आप बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन, ठीक किसी चीज़ का, जैसे कि आप गूगल मैप वगैरह देखते हो तो पॉइंट दिखाता है ना, परफेक्ट लोकेशन, ठीक। तो ये आपका क्या है, पॉइंट है, बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल। दूसरा क्या है, लाइन सेगमेंट, और तीसरा है लाइन। देखिए इस दोनों को हम एक साथ समझते हैं, इन दोनों चीजों को हम एक साथ समझते हैं। देखिए यहां पर क्या था, दो पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ठीक। तो इन दोनों पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये लाइन सेगमेंट है। क्यों है, क्योंकि देखिए दोनों पॉइंट से मिलकर ड्रॉ हो गए, इन दोनों के एंड पॉइंट है, यानी लाइन इसके बाद नहीं है और ये लाइन इस लाइन सेगमेंट इसके बाद इधर लाइन नहीं है, तो ये लाइन खत्म हो गई, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट कहेंगे। लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख दीजिए। लाइन क्या है, लाइन क्या, इसका कोई जो है एंड पॉइंट नहीं होता, इसका जो एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ तीर होते हैं, दोनों तरफ तीर होते हैं, आप इसको बढ़ाते जाइए, तो ये हो गया लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस। इसको हमें कैसे डिनोट करना है, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, रे, तो ये रे क्या होता है, देखिए रे क्या होता है, इसका एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एंड पॉइंट होता है, लेकिन दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप टॉर्च जलाते हैं ना, जैसे पहले जब वो लंबा टॉर्च आता है चलाएंगे, तो वो पीछे नहीं, आगे कहाँ जाएगा, तो पीछे एक ब्रेकर है, आगे जाएगा, जैसे गाड़ी का लाइट जलाते हैं, तो यही रे होता है, ठीक। तो इसीलिए इसको रे, एक तो इसका एंड पॉइंट होता है और इससे अगला एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉलिनर पॉइंट। कॉलिनर पॉइंट क्या होता है, कॉलिनर पॉइंट क्या होता है कि जैसे कि ये आपको पता है कि दो पॉइंट से मिलके एक लाइन सेगमेंट बनता है। अब एक लाइन है स्ट्रेट लाइन है, और इसी लाइन पे तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो ये क्या है, कॉलिनर पॉइंट्स है, ये क्या है, कॉलिनर पॉइंट्स है। इसी में एक और समझ लीजिए, नॉन कॉलिनर कैसे, जैसे कि देखिए ये पॉइंट है, तो ये क्या है, नॉन कॉलिनर क्यों है, एक स्ट्रेट लाइन से नहीं कनेक्टेड है। तो क्या है कॉलिनर की डेफिनेशन, दो से अधिक, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, बीस हो सकते हैं, मोर देन टू, देखिए मोर देन टू, एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाए पॉइंट, मोर देन टू, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट आ जाएं, तो ये आपका कॉलिनर हो गया, और जब ये इस तरह हो गया तो ये आपका क्या हो गया, नॉन कॉलिनर हो गया। चलिए बात समझ में आई आपको, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, देखिए एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे, और ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो ये दोनों जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, कॉनकरंट, कॉनकरंट, कॉनकरंट लाइन क्या होता है, कॉनकरंट लाइंस लिख दो, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये कॉनकरंट, अब मैंने कहा कि दो लाइन है एक पॉइंट से गुजर रही है, तो ये क्या हो गया, कॉनकरंट इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। लेकिन आप सोचिए किसी एक बिंदु से बहुत सारी लाइन जाए एक जगह पे, तीन चार पांच लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या हो गया, ये कॉनकरंट लाइन हो गई, ये क्या हो गए, कॉनकरंट लाइन, और ये हो गया आपका कॉनकरंट पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया आपका कॉनकरंट पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, दो लाइन, दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगा। लाइन इक्वल हो या नो ये मैटर नहीं करता, देखिए लाइन इक्वल है या नहीं ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि जो दोनों लाइन आपने ड्रॉ करी, जो दोनों लाइन आपने ड्रॉ करी तो दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों का जो डिस्टेंस है कहीं से भी आप नापे तो वो जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, जिसके बीच का डिस्टेंस इक्वल। और ये आप ऐसे कह सकते हैं जो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, देखिए जब ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी तो क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगी ना। देखिए अब देखिए ये लाइन है तो इस लाइन को जब हम आगे ले जाएंगे तो इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये आपका पैरेलल लाइन नहीं है। चलिए बात समझ में आई आप सभी के कि पैरेलल लाइन क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंगल क्या होता है। देखिए एंगल क्या होता है, अगर किसी, अगर दो रे का एक कॉमन एंड पॉइंट हो, देखिए रे हमने पढ़ा है जैसे ये एक एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक तो ये रे गई, एक रे ये गई, तो ये जो है ये क्या बना आपका एंगल बना। कैसे एंगल बनता है, दो रे का एक कॉमन एंड पॉइंट हो तो वो क्या बन जाएगा आपका एंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका एंगल बन जाएगा, क्लियर सी बात है। अब समझते हैं जो एंगल होता है, एंगल होता है ये कई टाइप के होते हैं, ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं कि कितने टाइप के एंगल होते हैं। सबसे पहले राइट एंगल, तो ये राइट एंगल क्या होता है, जिसका एक कोण जो हो, जो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, जैसे कि क्लास में कई बार आपसे कहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे बैठिए, 90 डिग्री मतलब देखिए आप बिल्कुल ऐसे पीठ कमर अपनी बिल्कुल सीधी कर लेते हैं ना, कहती है मैडम कि 90 डिग्री पे बैठो तो बिल्कुल कमर सीधी कर लेते हैं, तो वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए 90 डिग्री हम बनाएंगे, ये बिल्कुल देखिए बैठे हैं ना आप ऐसे, क्लास में बैठे हैं नहीं बैठे बताइए, मैं दोनों तरफ से इसलिए बना रहा हूँ, क्या होता है कि ज़रूरत पड़ती है तो हमें कई बार दोनों तरफ से ड्रॉ करने पड़ते हैं और बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या ले क्या नहीं ले। एक तो जो डी है, जब डी को यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ जैसे 120 है तो 120 इधर भी लिखा है, 120 इधर भी लिखा है, कौन सा वाला ले, तो ये कन्फ्यूजन आज आपकी ख़त्म हो जाएगी, देखते रहिए। तो 90 डिग्री क्या, बिल्कुल स्ट्रेट, देखिए स्ट्रेट बिल्कुल इधर से हो या फिर इधर से हो, बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है कि मोर देन जीरो डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है, मोर देन जीरो डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अब आप सोचिए कि आपके डी में दोनों तरफ 60 लिखा हुआ है तो आपको पता है एक्यूट एंगल है, लेकिन कौन सा वाला ले। देखिए जब आप इस पॉइंट से, जो एक्यूट एंगल होता है वो अंदर की तरफ झुका होता है, देखिए ये बात को समझिए, ये हो गया आपका राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल जो होगा वो
अंदर की तरफ झुकाओगे, किधर की तरफ, अंदर की तरफ। तो जब आप लाइन, जैसे कि आप डी से लाइन ड्रॉ करेंगे, डी रखेंगे, तो देखेंगे एक 60 डिग्री बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ, तो आपका कौन सा लेना है, अंदर की तरफ। मान लिया भी आप इस पॉइंट से बना रहे हैं, ठीक इस पॉइंट से, तो डी को रखिए आप। अब देखिए अंदर की तरफ कौन सा 60 है, ये लेना। बच्चों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, देखिए आज इसको खत्म कर दीजिए, इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए ये प्रॉब्लम। कि देखिए आप ऐसे समझिए, 90 डिग्री ये हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ये हो गया एक्यूट एंगल, अंदर की तरफ बनेगा। और एक बात बताऊं, ये 90 डिग्री और इसे तो बाहर की तरफ कर दीजिए, दोनों तरफ से बाहर की तरफ, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। तो तीसरा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, देखिए अभी हमने डिस्कस किया, ये बाहर की तरफ बनता है, किधर की तरफ बनता है, बाहर की तरफ। अच्छा ये क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी के। चलिए चौथा क्या है, स्ट्रेट एंगल। अब जैसे मैं खड़ा हूं तो यहां बीच में पॉइंट है, तो कौन सा एंगल, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट क्या, 180 डिग्री, स्ट्रेट मतलब पूरा 180 डिग्री का क्या होगा आपका, ये स्ट्रेट एंगल, जो जो लाइन होती है ना, जिसको हम लीनर पेयर भी लिखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों को जब हम करेंगे तो लीनर पेयर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। इसके बाद जो फिफ्थ है वो आपका है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कई बार तो बच्चे कहते हैं कि सर एक बात बताओ, हमारे पास जो कम डी है उसमें तो 180 तक है, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो ये कैसे बनता है, देखिए आपको बनाना है, आप सोचिए आपको बनाना है 220 का बनाना, तो आप कैसे डी का यूज करके बनाएंगे, तो आप एक काम कीजिए, जैसे कि आपको 220 का बनाना है, तो सबसे 220 में से आप 180 घटा दीजिए, कितना, 40 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, कम जो आपका डी है उसको उल्टा रखिए, और यहाँ से देखिए 40 कहाँ बना, यहाँ बना, तो ये फिर इसको ऐसे ले लीजिए, बात समझ में आ गई आप सभी के, क्योंकि उसमें तो 180 तक ही रहता है, तो आगे तक हम कैसे बनाएं। तो ये आपका क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक। छठा क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो 360 डिग्री का हो। देखिए जैसे 360 कहते हैं ना, कोई जैसे कि स्टेज कई बार बनाया जाता है 360 डिग्री, मतलब वो चारों तरफ आप उसको देख सकते हैं, चारों तरफ बिल्कुल ऐसे, तो 360 डिग्री, तो कितने एंगल कभी भी 360 से तो ज़्यादा होता ही नहीं। आप पूरा घूम लिए, ये देखिए आप ये पूरा 360 घूम लिए, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है, 360 से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, ये बात भी याद रखिएगा। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। चलिए ये पॉइंट तो आप लोगों ने स्टार्टिंग वाला नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ। दो चार और मोटी मोटी बातें समझ लीजिए, लाइन एंड एंगल में गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी कुछ पूछ दे आप बिल्कुल बेधड़क जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्या है, इक्वल एंगल। देखिए इक्वल एंगल, तो ये इक्वल एंगल क्या होगा, इक्वल एंगल क्या होगा, जैसे कि यहां एक एंगल बनाया है 50 डिग्री का है, दूसरा हमने बनाया ये क्या है 50 डिग्री का है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वल एंगल हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एन। बाइसेक्टर का मतलब होता है बिल्कुल बीच से बराबर बराबर काटना, ठीक है, कहां से काटना, बीच से। जैसे कि मान लीजिए ये 60 डिग्री का है एंगल, तो हमने एक लाइन खींची जो ये इसको
तीस तीस में काटता है, तो ये क्या हो गया, ये इस दोनों एंगल का, जैसे हम नाम लिख देते हैं ए बी ओ सी, तो ये जो ओ सी हो गया वो एंगल ए ओ बी का क्या है, बाइसेक्टर है, कि ये इसको बीच से इक्वल इक्वल पार्ट में काटता है। अब समझते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और बहुत काम की चीज है, और दूसरा है सप्लीमेंट्री। देखिए जब दो एंगल को प्लस करके, जब दो एंगल को प्लस करके 90 डिग्री आए तो उसको हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक, और जब दो एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आए तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए दो एंगल को प्लस करके 90 आया तो कंप्लीमेंट्री हो गया, दो एंगल को प्लस करके 180 आया तो वो क्या हो गया, सप्लीमेंट्री। इसमें सवाल भी आता है, जैसे कि मान लीजिए दे दिया कि बताओ एक एंगल 60 डिग्री का है तो इसका कंप्लीमेंट्री कितना होगा, तो कहोगे देखो दोनों को प्लस करके 90 आएगा तो 60 है तो ना इसमें क्या ऐड करें कि 90 हो जाए 30, ठीक। अब यही क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ एक एंगल 60 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, यानी दोनों को, दूसरा एंगल हमें x लेना है, दोनों को प्लस करके 180, यानी कि कितना x होगा, 120 होगा। चलिए बात समझ में आई सबके, मुझे उम्मीद है लाइंस एंड एंगल आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।